उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और मन ही मन पीएम बनने का सपना संजोए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के बीच जोर आजमाइश दिखने वाली है। जहां मोदी ताज नगरी आगरा में रैली कर रहे हैं, वहीं मुलायम आगरा से करीब 200 किलोमीटर दूर बरेली में गरजेंगे। इन रैलियों के जरिए बीजेपी और एसपी अपनी अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि दोनों ओर से एक दूसरे से बड़ी रैली करने का दावा किया जा रहा है। जहां बीजेपी का दावा है कि उसकी रैली में ज्यादा समर्थक जुटेंगे, तो एसपी का दावा है कि बरेली में इतनी भीड़ जुटेगी कि बीजेपी देखकर दंग रह जाएगी। तो एक तरफ जहां आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली है, वहीं दूसरी तरफ बरेली में मुलायम सिंह यादव की रैली है। और मुलायम सिंह यादव का दावा है कि ये रैली नरेंद्र मोदी की रैली से भी बड़ी रैली होगी। बरेली में मुलायम का भाषण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रैली में भारी भीड़ जमा हो गई है। पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि मुलायम की रैली मोदी की रैली से बड़ी होगी। हमें समाजवादियों के लिए कोई चुनौती न था न कोई है। समाजवादी पार्टी की सरकार की नीति, समाजवादियों की नीयत, हमारे नेता का नेतृत्व, हमारे नेता का व्यक्तित्व देश की और प्रदेश की जनता के ऊपर इतना हावी रहेगा कि हमसे किसी की चुनौती नहीं हो सकती। तो धर्मेंद्र यादव को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर जो समाजवादी पार्टी की रैली है वो नरेंद्र मोदी की रैली से काफी बड़ी रैली होगी। आपको बता दें अभी ये रैली शुरू भी नहीं हुई है, और जब धर्मेंद्र यादव की बात हम आपको सुना रहे थे उनके पीछे काफी भीड़ आपको नजर आई होगी। रैली शुरू भी नहीं हुई है और लोगों का जमावड़ा यहां पर शुरू हो चुका है। बरेली में भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और मुलायम सिंह यादव से कुछ ही देर में यहां पर रैली को संबोधित करेंगे। उसके लिए लोग अभी से ही एकत्रित हो गए हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ इकट्ठा होती है उससे ज्यादा भीड़ मुलायम सिंह यादव की रैली में होगी। यूपी के बरेली में मुलायम सिंह की रैली हो रही है, लेकिन इस बीच रैली में शामिल होने के लिए निकले एसपी कार्यकर्ताओं की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एसपी के इस रैली में शामिल होने के लिए एसपी के कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे और ये गाड़ी, जिस गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, वो हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में एसपी के 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य जख्मी हो गए हैं। ये सभी लोग अमरोहा जिले के रहने वाले हैं और बरेली में समाजवादी पार्टी की रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और 4 एसपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। आपको बता दें एसपी की रैली में जा रहे थे ये तमाम लोग और एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एसपी की रैली में जा रहे एसपी के ये कार्यकर्ता दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर बात करते हैं मुलायम के हुंकार की। बरेली में एसपी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। एसपी की देश बचाओ देश बनाओ रैली से मुलायम विपक्ष पर कड़े प्रहार करेंगे। मुलायम के इस हाईटेक रैली को मोदी को पीछे छोड़ने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूपी में आज रैलियों की होगी बहार। आगरा में मुलायम पर बरसेंगे मोदी। बरेली में मुलायम करेंगे मोदी पर प्रहार। मुलायम अलापेंगे तीसरे मोर्चे का राग। मुलायम मोदी करेंगे ताकत का प्रदर्शन। यूपी में आज सियासी घमासान होने जा रहा है। बरेली में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आगरा में अपनी ताकत आजमाएंगे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की हाईटेक रैलियों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ताल ठोककर खड़े हैं।
रैली को सुपरहिट बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव अपने बेटे और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ मिलकर जोर लगाएंगे। वहीं मोदी अपनी रैली में स्टार होंगे। आजम खान को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, लिहाजा वो एसपी की रैली के दिन ही बीजेपी की रैली को नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही आजम अपनी पार्टी की कवायद को रैली का नाम न देकर महज सभा करार दे रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दल न करें, क्यों कर रहे हैं? जिस दिन हमारी रैली है उस दिन काहे कर रहे हैं? रैली नहीं है, वो सभा है। हमारी सब सभाएं हैं और हमारी सभाओं में कुर्सियां नहीं बिछती हैं। कहा जा रहा है कि एसपी की रैली में मुलायम बीजेपी पर ही आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुसलमानों की नाराजगी को दूर करना है। मुलायम टेक्नोलॉजी के दम पर भी मोदी की रैली को फ्लॉप करने के मूड में हैं। एसपी ने अपनी देश बचाओ देश बनाओ रैली में 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस रैली का लाइव करीब 1.5 दर्जन LCD स्क्रीन पर रैली स्थल और उसके आसपास के इलाकों में किया जाएगा, ताकि मुलायम का विपक्ष पर एक भी वार खाली न जाए। इसके अलावा मोदी की रैलियों की तर्ज पर ही मुलायम की रैली को भी इंटरनेट पर लाइव दिखाने की तैयारी है। मोदी और मुलायम की रैलियों के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली के मुकाबले मुलायम की रैली में सुरक्षा ज्यादा सख्त होगी। यूपी की सियासी बिसात पर आज मोदी और मुलायम अपना अपना पासा फेंकेंगे। एसपी जहां अपनी बिगड़ी सियासी गणित सुधारने की कोशिश करेगी, वहीं मोदी यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ से मानव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।